बलरामपुर में एक दिवसीय जनपद दौरे पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का भाजपा कार्यालय अटल भवन पर भव्य स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दौरा था। इस अवसर पर तमाम भाजपा पदाधिकारियों, ब्लॉक प्रमुखों व कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी कार्यालय अटल पर बुके व स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव में घर घर जाकर विपक्षी दलों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। चुनाव में विपक्षी दल द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जनता ने भरोसा किया और प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार ने प्रदेश में वापसी की। भारतीय जनता पार्टी के वोटों का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट में। बलरामपुर जनपद का चतुर्मुखी विकास हो, तेजी के साथ बलरामपुर जनपद विकास के पथ पर अग्रसर हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएँ हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की योजनाएँ वो धरातल पर उतरे, उसके लिए आज हम बलरामपुर जनपद की सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा करेंगे। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो यहाँ पर इंडोर पेशेंट से उनसे हमने बात किया है, उनको देखा है, यहाँ पर सभी उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्थाएँ लगातार लोगों को मिलती रहें, उसके लिए हम सभी इंतजाम करेंगे और जो भी त्रुटियाँ मिलेंगी उनको हम दुरुस्त करेंगे। हमने चिकित्सा अधिकारियों से कहा है हर स्थिति में अस्पताल में मरीजों को भगवान मान करके सेवा करें, उनको निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क इलाज या जो भी संसाधन उनको जांच का है सब कुछ पूरा करें, ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। जो चिकित्सक कम हैं उनके बारे में हमने कहा है कि लोकल स्तर पर भर्ती करें, यदि आवश्यक होगा तो हम लखनऊ से भी उनको भेजने वाले हैं, लेकिन तब तक स्थानीय स्तर पर आप भर्ती करें, उनके लिए हम स्वीकृति देंगे। हर स्थिति में बलरामपुर के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था प्राप्त कराना हमारी जिम्मेदारी है। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस गवर्नमेंट का चल रहा है, अभी ट्विन टावर गिरा है बलरामपुर में, ट्विन टावर तो रहेंगे, मैंने देखिए भ्रष्टाचार और अपराध पर हमारी सरकार प्रारंभ काल से जीरो टॉलरेंस के नीचे अपना रही है, कहीं भी कुछ भी संज्ञान में आएगा हम जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आपने जो बलरामपुर जनपद में कहा के बारे में कहा है, हम जिलाधिकारी हमारे से बात करेंगे और आप देख रहे होंगे परिणाम उसका यह है कि गुंडे माफिया मवाली समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो संरक्षण पाते थे, महिमा मंडित होते थे, अब उनके हौसले टूट गए, उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं या उत्तर प्रदेश को बाहर जाकर गए या तो हमारी सरकार उनको जेल में। दूसरा सबसे बड़ा विषय था कि आप बलरामपुर को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर सपा की सरकार ने कितने माफियाओं का सब गायब हो गए, किसी को पता नहीं है। गरीब आदमी की जमीन कब्जा करना, बहु बेटियों को बुरी नज़र से देखना, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षण में उसकी पलवित हो रहा है। हमारी सरकार ने तय किया है कि माताओं बहन देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।